हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हमारे साथ है अभिमन्यु पाटवा। ये यूनिवर्सिटी ऑफ सस्केचवन में अभी माइटेक्स इंटर्न है, समर इंटर्न है डिज़ाइन इंजीनियरिंग में, और ये अभी इसी समर आया हुआ है। तो मैंने सोचा इसके साथ एक वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इंडिया में, बहुत सारे बच्चों को अवेयरनेस नहीं है इस बारे में कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके पास है एक्सपीरियंस गेन करने की, लाइव वर्ल्ड एक्सपीरियंस, रिसर्च एक्सपीरियंस, एरा गैरा एक्सपीरियंस भी नहीं, नॉर्मल जो आप जॉब पे करते हो, बट नहीं, रिसर्च एक्सपीरियंस आपको एक लेने का मौका मिलता है, और वो भी फुल्ली फंडेड। तो अभिमन्यु से सारी बातें करेंगे, अभिमन्यु से हम जानेंगे उसका एक्सपीरियंस, कैसे उसने अप्लाई किया, क्या क्या उसको हर्डल्स आई, और क्या क्या उसने अपनी सारी हर्डल्स को कैसे क्लियर किया, कैसे वो कनाडा पहुंचा और उसने इंटर्नशिप ली। अभिमन्यु की इंट्रोडक्शन देते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभिमन्यु सिम्बायोसिस में अभी ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कर रहा है इंडिया में, पुणे में, और अभी अपने फोर्थ ईयर में है। ही इज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन सूडान, एंड काफ़ी नाइस लड़का है, काफ़ी डिसेंट, प्यारा, अच्छे से बोलता है, और काफ़ी अच्छी बात है। इसने अभी अलग ड्यूरिंग हिज बैचलर्स ये इंडिया से कनाडा आया है, और उससे अभी हम सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले अभिमन्यु, वेलकम टू द वीडियो। एंड अभिमन्यु, थोड़ा सा बताओ कि तुम्हें ये इंटर्नशिप के बारे में कहाँ से पता चला? सो बेसिकली मैंने मेरी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था अराउंड सितंबर लास्ट ईयर, एंड तभी माइटेक्स के एप्लीकेशंस स्टार्ट होते हैं, मतलब एक्सेप्ट करते हैं वो लोग एप्लीकेशंस, एंड उसकी ड्यू होती है 22nd of September। तो आई थिंक हमको इंटरनेशनल एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट है हमारी यूनिवर्सिटी में फॉर फॉरेन एजुकेशन एंड इंटर्नशिप्स, तो उनका ईमेल आया था कि यू कैन अप्लाई फॉर दिस इंटर्नशिप एंड द क्राइटेरियाज वेयर यू शुड हैव CGPA अबव 8, विच इज़ योर टोटल एवरेज GPA फॉर ऑल योर सेमिस्टर्स, एंड यू शुड हैव डॉट यू शुडंट हैव एनी एक्टिव बैकलॉग्स, एंड यू शुड गेट अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम योर डिपार्टमेंट which should state all that you, the projects you have worked upon and your experience about any kind of research or any kind of project you have participated in. So I applied it around September last year, and you have to shortlist like 20 projects in their MyTechs portal, and out of those 20 you can get matched in one of the projects that you have shortlisted if the host professor accepts you as his intern, and that is the round one for the matching process, and I think it ends around on October, and in end of November or December MyTechs has another round of acceptance too for some of the interns might have backed out or something. So from my university it was me who got selected the first as intern under MyTechs, and I got selected in a project called modeling of design processes. It was my first preference, and it is under Professor Chris Zhang. So I was the first one to get selected, and in round two other batchmates of mine were also selected, and one of my batchmates is in Toronto in Ryerson University. Okay. And the other batchmate who got selected, she rejected the offer. She rejected the offer. So, तो वो offer किसी और को मिला के? नहीं, it might have gone to other student, other intern, maybe across the world who had the same project selected, okay, shortlisted. But yeah, she rejected the offer. तो main जो eligibility requirements हैं वो ये है कि आपकी CGPA 8.0 से उसके equivalent या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, right? और दूसरी रिक्वायरमेंट ये है, मस्ट रिक्वायरमेंट है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के ऑप्शनल? यस, इट इज अ मस्ट रिक्वायरमेंट। ओके, तो आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी चाहिए होगा अपने प्रोफेसर से जो जिसमें भी आपने काम किया है, राइट, उनके साथ? Exactly, yes. और क्या एक्सपेक्टेशन रहती है इसके अलावा मेनली? इसके अलावा तो और कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। ओके, यस। और फिर जब ये सब हो जाता है तुम्हें कब नोटिफाई करते हैं कि तुम सिलेक्ट हो गए हो या तुम्हें सिलेक्ट कर लिया है? तुमको सबसे पहले यू विल रिसीव एन ईमेल दैट यू हैव बीन डीम्ड एलिजिबल और नॉट। आफ्टर यू हैव बीन डीम्ड एज एलिजिबल इंटर्न, आफ्टर दैट देयर इज दिस मैचिंग प्रोसेस, एंड देन यू विल गेट मैच्ड टू अ प्रोजेक्ट,
एंड आफ्टर यू आर मैच विद द प्रोजेक्ट देर आर फर्दर प्रोसीजर्स लाइक अप्रोक्सीमेटली टिल डिसम्बर डिसम्बर तक आपको फाइनल मिलेगा. उसके बाद आप हॉस्ट प्रोफेसर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो और आपको सब डिटेल्स उसके बाद मिलेगी. ओके और वीजा प्रोसेस वो कौन हैंडल करता है? वो तुम हैंडल करते हो? माय वीजा प्रोसेस यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ. यू हैव टू डू इट इन एनी व्हाट्स द नेम अगेन आईआरसीसी वेबसाइट. यू हैव टू डू द ऑनलाइन एप्लीकेशन. सो आई वाज नॉट इन इंडिया व्हेन आई गॉट सिलेक्टेड फॉर द internship, so I was worried about that thing also, but I applied for the application. I did my application online, and after I went to India I just had to go to do my biometrics and other procedures, and after that they just collect your they come to collect your passport and it gets stamped, and it took me like around 2 to 3 weeks for all this to complete. Okay. तो बाद में वीजा आ जाता है जनरली इस सब प्रोसेस के करने के बाद. यस सो बेसिकली यू अप्लाई फॉर 120 डेज वर्क विदाउट परमिट वीजा. ओके एंड यू आल्सो गेट अ वीजा. आई गॉट माय वीजा टिल 2025 व्हिच इज द एक्सपायरी डेट ऑफ माय पासपोर्ट. सो यू गेट अ वैलिड वीजा वर्कर वीजा अंटिल द एक्सपायरी ऑफ योर पासपोर्ट. ओके तो वीजा जब आ गया तुम्हारा उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा ये होता है कि तुम्हें वो फंडिंग भेजते हैं या फिर क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? फॉर इंडिया आई डिडंट गेट एनी फंडिंग प्रायर टू कमिंग टू माय अराइवल टू कनाडा. आई हैड टू पे ऑल माय फीस फॉर अकोमोडेशन फॉर एनी अदर एक्सपेंसेस. आई हैड टू पे इट फ्रॉम माय होम एंड आफ्टर आई केम टू कनाडा आई गॉट माय पेमेंट्स फ्रॉम देम. आप उन्हें कह सकते हो कि आप को फंडिंग वो पहले दे दें? कई बच्चे होते हैं जो इतने नहीं केपेबल होते कि राइट अवे फंडिंग अरेंज कर पाए, तो क्या तुम उनसे कह सकते हो? यू कैन डू अ स्पेशल रिक्वेस्ट, बट फॉर इंडिया आई थिंक सो इट्स नॉट एन ऑप्शन बिकॉज फॉर अदर कंट्रीज फॉर एग्जांपल फॉर ब्राजील इट्स डिफरेंट. इट डिपेंड्स ऑन कंट्री टू कंट्री. ओके देयर पेमेंट मेथड्स. ओके ऐसा कोई स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस नहीं है माय टैक्स का? नहीं बट फॉर इंडिया एज फार एज आई नो आई हैव द नॉलेज आई थिंक इट्स द सेम वे एज मी. ओके सब जगह बाकी सिमिलर ही है, इंडिया में ऐसा नहीं है कुछ भी. एग्जैक्टली और इसमें तुम ऑप्ट आउट भी नहीं कर सकते जहां तक मेरे को मालूम है कि एक बार अगर तुमने सिलेक्ट कर लिया तो इट्स काइंड ऑफ मैंडेटरी फॉर यू टू कि अपना वादा जो आपने उनके साथ किया है वो निभाओ. आप वादा किया है तो निभाना तो पड़ेगा ही, ये वाली बात है और आपको निभाना भी चाहिए राइट. ऐसी कोई बात नहीं है. काफ़ी वैल्यूबल एक्सपीरियंस होगा आपके लिए, नॉट इन टर्म्स ऑफ ओनली एजुकेशन, ये आपके लिए वैसे भी बहुत ज़्यादा एनरिचिंग एक्सपीरियंस होगा. कनाडा किसको घूमने को मिलता है इंटर्नशिप के लिए? ये तो अभिमन्यु देखो फोर्थ ईयर में बैचलर्स के अपने कनाडा घूम रहा है, इंटर्नशिप कर रहा है, वो भी सब पेड राइट. तो फिर तुम यहाँ पे जब आते हो तो तुम्हें फंडिंग कैसे मिलती है? तुम्हारी यहाँ पे रेजिडेंस कौन हैंडल करता है? ये सब चीज़ें कौन हैंडल करता है? तो आपको एक स्पेशल आपको मेंटर असाइन करते हैं माय टैक्स जो आपका सब अकोमोडेशन से लेके अराइवल का प्रोसीजर्स है. यहाँ पे आओगे उसके बाद आपको बैंक अकाउंट ओपन करना है एंड आपको विजिटर्स रिकॉर्ड लेना है इमिग्रेशन से. सो दैट इज़ अ नेसेसरी डॉक्यूमेंट फॉर दिस इंटर्नशिप एंड देन आपको सोशल इंश्योरेंस नंबर भी करना है. वो आपको सब डिटेल्स माई टैक्स भेजती है. ओके उसका टेंशन नहीं है एंड इट इज़ वेरी इजी एंड वेरी स्मूथ प्रोसीजर. ओके कोई इतनी दिक्कत नहीं आती नहीं एंड दे गिव यू द डेट्स फॉर योर पेमेंट. इट इज़ बेसिकली इन 3 partial installments. All your stipend and all your total amount of money. Okay, yeah. और फिर उसके बाद जब तुम मैंने ये तुम्हारी जो मेजर है इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और यहाँ पर तुम्हारा रिसर्च जिसमें हो रहा है वो है डिजाइन इंजीनियरिंग राइट. ये दोनों सिमिलर नहीं है, ये दोनों डिफरेंट हैं. तो तुम्हारा सिलेक्शन ऐसे इन दोनों डिफरेंट सब्जेक्ट्स में कैसे हुआ? बिकॉज डिज़ाइन इंजीनियरिंग मीन्स के उसमें हम प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग सिस्टम्स डिज़ाइनिंग उसके बारे में मेरा रिसर्च है एंड मेरा जो स्पेशलाइजेशन है इट इज़ रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन. तो इट इज़ काइंड ऑफ रिलेटेड टू माय स्पेशलाइजेशन एंड आई वाज
इंटरेस्टेड इन कंट्रोल सिस्टम्स विच वॉज माई सब्जेक्ट इन सेमेस्टर 4, तो उसके वजह से मैंने उसका एक्सपीरियंस डाला था। तो तुम्हारा जो अभी जो कनाडा में जब तुम आते हो, तो तुम्हारा जो अभी रिसर्च इंटर्न एक्सपीरियंस है, मंडे टू फ्राइडे तुम्हारी होती है इंटर्नशिप, राइट? कितना हेक्टिक है, कितना ईजी है, कितना तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोप अप करने में मुश्किल आई, ईजी आई, और कितनी की तुम्हारी बैकग्राउंड स्टडी यहाँ पर रेलिवेंट थी? तो बेसिकली मेरा इंटर्नशिप, मेरा रिसर्च है, इट इज़ ऑल थियोरेटिकल एंड आई हैव टू रिसर्च अपॉन डेटा बेसिस एंड कलेक्ट डेटा एंड सिस्टमेटिक रिव्यू करना है, बेसिकली सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू। तो इट इज़ नॉट दैट हार्ड बिकॉज आई डोंट हैव एनी फिजिकल वर्क और एनी लैब वर्क टू डू एंड इट्स नॉट हैक्टिक। आउट ऑफ 10 आई वुड रैंक इट 6 or 7 इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी या कैलो की स्ट्रेस या ये सब। यस, ओके। तो एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिल जाता है बाकी चीज़ों के लिए? हाँ, एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिल जाता है एंड प्रोफेसर एंड मेंटर भी कोऑपरेटिव है, तो ज्यादा स्ट्रेसफुल नहीं है मेरा रिसर्च। और तुम्हारी जो प्रीवियस स्टडी थी वो कितनी के ज्यादा हेल्पफुल रही है, जो कि इंडिया की है, राइट? तो कनाडा की स्टडी ज्यादातर प्रैक्टिकल होती है, तुम्हें भी ये डिफरेंस लगता है? यस, डिफरेंस तो है एंड रिसर्च इज जो बेसिकली बेस है मेरा रिसर्च का, उसका नॉलेज था मुझे फ्रॉम माय स्टडीज इन इंडिया, तो इट वाज क्वाइट हेल्पफुल फॉर मी कि मेरा बेस रिसर्च का स्ट्रॉन्ग था। तो तुम्हारा जो इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है उसमें तुम्हें क्या करना पड़ता है एग्जैक्टली? तुमने बताया कि तुम्हारा मोस्टली थ्योरेटिकल है, डेटाबेसेस के साथ तुम्हें काम करना पड़ता है, अदर देन दैट इसमें रिसर्च पर्सपेक्टिव क्या है, ऐसा कुछ? रिसर्च पर्सपेक्टिव इज के मुझे जो डिज़ाइन प्रोसेसेस होते हैं बहुत सारे, जो कि US का अलग होते हैं डिज़ाइन, लाइक डिज़ाइन इंजीनियर्स इन US, डिज़ाइन इंजीनियर्स इन जर्मनी, इन एवरी अदर कंट्री दे यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेज, डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, सो आई हैव टू रिसर्च अपॉन ऑल ऑफ दोज जनरल प्रोसेसेस एंड रिपोर्ट बनाना है बेसिकली अबाउट ऑल दोज प्रोसेसेस एंड रिसर्च क्वेश्चन भी होते हैं ऑफ कोर्स जो प्रोफेसर प्रोवाइड करते हैं, तो यू हैव टू लाइक रोम अराउंड दैट क्वेश्चन ओनली, लाइक टॉक अबाउट इट एंड ओके। हाँ, मेरे को याद है कि जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था तो इंडिया में से बिट्स पिलानी में से भी एक स्टूडेंट आ रखा था, तो फिजिक्स में यहाँ पे रिसर्च कर रहा था, तो उसके रिसर्च पर उसका भी रिसर्च जो था उसके प्रोफेसर ने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन दे रखा था जो कि काफ़ी हार्ड था फिजिक्स में, मेरे को तो एग्जैक्टली इतना ज़्यादा नॉलेज है नहीं, बट उसी के वो फाइंड आउट करने के बारे में प्रोफेसर ने उसे बोला था। 3 महीने उसने कोशिश की, उसने अपने रिजल्ट्स निकालने की कोशिश की और काफ़ी उसने प्रोग्रेस भी की इवेंचुअली, राइट? तो वैसा ही कुछ अभिमन्यु का भी है, एक पर्टिकुलर तुम्हें रिसर्च टॉपिक दे देते हैं जिसके रिगार्डिंग तुम्हें प्रोग्रेस या जो भी तुम्हें करना है, ऐसा कुछ प्रोफेसर तुम्हें कहता है कि मेरे को ये वाली चीज 3 महीने के अंदर अंदर चाहिए कुछ? नहीं, फॉर मी कुछ टाइमलाइन नहीं, कुछ डेडलाइंस नहीं था, प्रोफेसर इज वेरी कोऑपरेटिव एंड ही इज काइंड ऑफ बिजी पर्सन टू बिकॉज ही इज द एक्टिंग ग्रेजुएट चेयरमैन ऑफ मेडिकल इंजीनियरिंग एंड यस, सो बेसिकली आई वॉज नॉट प्रेशराइज अपॉन एनी डेडलाइंस और एनी टाइमलाइन। ओके, ये तो हो गई पढ़ाई की बात, राइट? इंटर्नशिप एक्सपीरियंस की बात, एप्लीकेशन की बात, और इन इंटर्नशिप के आपको पैसे जो फंडिंग है वो ओवरऑल तुझे कितनी मिली और किस हिसाब से मिली? क्या सब सारा अमाउंट एक ही टाइम यहाँ पे आते ही मिल गया कि डिफरेंट डिफरेंट मिला, और उसमें से अमाउंट में तुम्हें क्या क्या मैनेज करना होता है वो थोड़ा शेयर करो? तो बेसिकली टोटल पैकेज है अराउंड 9,000 कैड का एंड इट इज़ क्वाइट सफिशियंट अमाउंट फॉर 3 months लिविंग एंड ऑल द एक्स्ट्रा कॉस्ट एंड मैनेज तो कुछ है नहीं बिकॉज रेसिडेंस अभी सीगर विलर में है, तो ऑफ कोर्स इफ यू गो टू सम हाई एंड रेसिडेंस वो एक ही बार में मिल जाता है 9,000? नो, आपको 3 installments में मिलता है, सो फॉर इंडियन इंटर्न्स इट वाज लाइक 4,700 इन द फर्स्ट installment
and then it was 2300 in the second one, and the third one is around 1980. तो अगर जैसे कि अब कोई बच्चा आता है यहाँ पर इन केस, वैसे ऐसा होना तो नहीं चाहिए, सफिशेंट अमाउंट है, मेरे को भी मालूम है $9,000, मैंने पुरानी वीडियो में भी बताया था, इट्स मोर देन इनफ, बट इन केस कभी कभार पता नहीं होता, तो स्टूडेंट को अगर बाय चांस ज़्यादा मनी की ज़रूरत पड़ जाए इन दूसरी या थर्ड इंस्टॉलमेंट से पहले, तो क्या वो मिल जाती है कि नहीं? नहीं, माई टैक्स विल नॉट प्रोवाइड एनी सिंगल पेनी आउट ऑफ देयर बजट. ऑर्गेनाइजेशन एंड माई टैक्स इज अ कैनेडियन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सो दे हैव दिस सर्टेन क्राइटेरियाज दे मेंटेन, दे डोंट प्रोवाइड एनीथिंग मोर. ओके ओके, ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं है, बट आई वुड से कि आप अपना ट्राई कर सकते हो अगर आपको ऐसा कुछ हो जाता है, क्योंकि कभी कभार पता नहीं होता. एग्जैक्टली. तो और इंटर्नशिप के अलावा $9,000 मिल गए, और मैं देखता हूँ हर साल इंटर्न आते हैं इंडिया से, सबसे ज़्यादा माइटेक्स के इंटर्न आते हैं, और जो कि अच्छी बात मुझे लगती है कि अपने इंडियन स्टूडेंट इतने अवेयर हैं और जितना भी कंपटीशन है उसको क्लियर करके आ रहे हैं, सिलेक्ट होके आ रहे हैं, तो अच्छी बात ही लगती है मुझे तो हमेशा. और फिर $9,000 अब मिल भी गए हैं, तो उनको कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हो? कनाडा कितना घूमने को मिला, कितना घूम पाते हो? तो मैं अभी प्रिंस अल्बर्ट गया था एक बार, वहाँ तो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था, एंड मैं अभी जा रहा हूँ टोरंटो फॉर अराउंड वन वीक, जो मेरे प्रोफेसर ने अप्रूव किया कि आई कैन गो टू टोरंटो बिफोर वन वीक ऑफ गोइंग बैक टू होम. सो उधर जाएंगे घूमने, देखने सिटी टोरंटो, क्योंकि सास्कटून में तो कुछ उतना ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है और घूमने की जगह भी उतनी नहीं है. ओके. या और सास्कटून और कनाडा तो मैं इन जनरल कैसा लगा इंडिया के कंपैरेटिवली? इंडिया के कंपैरेटिवली तो बहुत अच्छा है. इट इज लेस पॉपुलेटेड एंड इट इज वेरी ग्रीन, यू कैन सी इट इज वेरी ग्रीन अराउंड, एंड शांत है, काफी शांत है. एग्जैक्टली. तो ये वाली चीजें तुम्हें मतलब ज्यादा पसंद आती हैं? हाँ, इट्स अ चेंज. ओके, तुम आगे फ्यूचर में कनाडा आना चाहोगे फर्दर स्टडीज या जॉब के लिए? मे बी मास्टर्स के लिए आऊंगा, फॉर माय थेसिस बेस्ड मास्टर्स. अभी तो प्लान पता नहीं है एग्जैक्टली क्या है, बट आई हैव दैट इन माय कंसीडरेशन. ओके ओके ओके. यस. Okay. And even MyTax support you for your fellowship master program. Yeah. They provide I think around 15,000 CAD for your masters. उसकी भी वीडियो आएगी, हम बनाएंगे MyTax intern के साथ, जो पहले यहाँ पे थे और फिर दोबारा अभी ग्रेजुएट बन के आ रहे हैं और आएंगे, तो उनके साथ भी वीडियो बनाऊंगा, तो उसकी भी वीडियो बनाऊंगा. और नेक्स्ट चीज़ जो मेरे को अभिमन्यु से अब एक दो और बस चीज़ें पूछनी है, मेनली ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें MyTax इंटर्नशिप के बारे में, ग्लोबल लिंक इंटर्नशिप के बारे में, वो तो अभिमन्यु ने काफ़ी अच्छी तरह डिटेल बता दी है, बट अभी लास्ट एक दो बातें एक और पूछ लेते हैं कि कुछ अगर कोई स्टूडेंट आएगा या जो भी अप्लाई कर रहा है इंडिया में, उसके लिए कोई तुम्हारी एडवाइस या तुम्हारा तुम जो उसे शेयर करना चाहो जो उसके लिए हेल्पफुल रहे? एडवाइस तो यही है कि जस्ट फॉलो द टाइमलाइंस, एंड आपके अगर ग्रेड्स अच्छे हैं, आपका अगर प्रोजेक्ट में आपका चांस लगता है, बिकॉज अगेन देर इज अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन इन प्रोजेक्ट्स, एंड प्रोजेक्ट्स में भी वेराइटीज़ होते हैं, जैसे कि आप अगर कोई फैंसी प्रोजेक्ट चूज़ करते हो, जैसे कि इट इज़ एआई बेस्ड या मशीन लर्निंग बेस्ड, तो आपका कंपटीशन उतना ही ज़्यादा होगा, बिकॉज जो अभी इन डिमांड टॉपिक्स है तो उसमें ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं वो, एंड यस, सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर प्रेफरेंसेस फॉर द प्रोजेक्ट्स एंड योर ग्रेड्स एंड योर एक्सपीरियंस एंड योर होस्ट प्रोफेसर. ओके. और एक और चीज़ जो मेरे को काफ़ी इम्पोर्टेंट लगती है कि अभिमन्यु इज़ फ्रॉम सिम्बायोसिस, जो कि इंडिया में नामों मतलब काफ़ी नाम वाला इंस्टीट्यूट है, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे भी होते हैं जो इतने ज़्यादा एस्टेब्लिश नहीं है सिम्बायोसिस की तरह, तो क्या उन कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट में से भी बच्चे आ सकते हैं अभिमन्यु? यस, इट इज़ AICTE अप्रूव्ड प्रोग्राम, All India Council, Constitution of Technical Education. So, any university can apply and any student can apply. Okay.
और बस वही जो अभिमन्यु ने बताया कि आपको ध्यान रखना है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, अपना ग्रेड थोड़ा अच्छा रखना है, और बस इन चीज़ों के आप अगर ध्यान रखो तो डेफिनेटली यू विल बी एलिजिबल और आपको भी कनाडा में फुल्ली फंडेड इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। और क्या ही चाहिए बैचलर लाइफ में, इतनी तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी इंटर्नशिप पे कहीं और मिलती नहीं है, इंडिया में तो नहीं मिलेगी डेफिनेटली, राइट? इंडिया में इंटर्नशिप क्या कितनी देते हैं वो? इंडिया में इंटर्नशिप्स का आपको अराउंड 10,000 to 15,000 का स्टाइपेंड देंगे, एंड ऑफ कोर्स यू आर स्टिल इन इंडिया, एंड यूरोपियन इंटर्नशिप्स जो होती है वो आई थिंक अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज इट इज़ नॉट फुल्ली फंडेड। अभी फ्रांस का भी इंटर्नशिप, हमारा इंटरनेशनल एजुकेशन डिपार्टमेंट हमको ईमेल्स सेंड करते हैं, तो फ्रांस का एंड जर्मनी का वो सब भी इंटर्नशिप्स वगैरह होती है, एक्सचेंज प्रोग्राम, बट इट इज़ नॉट फुल्ली फंडेड, एंड ऑफ कोर्स अगेन इट्स इन यूरोप। ओके, और अभी लास्ट क्वेश्चन, फिर इसके बाद एंड करते हैं, ठीक है? तुम्हारा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसे रहा है और कितना के इंडिया को मिस किया, नहीं किया, नहीं भी किया तो बोल सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई जज नहीं कर रहा, क्योंकि आई नो। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज गुड, द फर्स्ट फ्यू डेज वेयर बिट हार्श यू कैन से, बिकॉज इट्स अ न्यू एनवायरनमेंट एंड जेट लैग भी होगा एंड सब है, but yes overall the experience was wonderful. Now almost I have less than a month left, like about three weeks left, so जिसमें से 7 दिन जनाब घूमेंगे टोरंटो, राइट? वहाँ पे तो ऐश होगी, ऐसी वैसी नहीं है, टोरंटो में बहुत ज्यादा जगह है घूमने वाली, अपने इंडियन रेस्टोरेंट्स वगैरह काफी हैं और भी बेतहाशा चीजें हैं करने को टोरंटो में, और 7 दिन तो वहाँ घूम रहे हैं। Yes, so it was good. And mera batchmate bhi hai Toronto mein, the one I mentioned you about, so I'll be meeting him. तो दोनों पैसे वाले बच्चे मिल रहे हैं, बैचलर वाले बैचमेट हैं, और ऊपर से फिर तो गदर वहाँ पे मचाएंगे ही, राइट? तो बस और यही चीज है, और कोई चीज तुम कहना चाहो? नहीं, थैंक यू, नहीं, दैट्स इट। तो गाइस ये थी मेरी वीडियो, हमारी वीडियो रिगार्डिंग इंटर्नशिप एक्सपीरियंस ऑफ माई टैक्स, आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, राइट? ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था, इस वीडियो में फिर बोल रहा हूँ, और जैसे कि बोला कि ये Tier 1, Tier 2, Tier 3 कॉलेजेस कोई भी अप्लाई कर सकता है, एज लॉन्ग एज इट इज़ इंक्लूडेड इन दी ACIT, राइट? यस, AICT। तो अगर आपका उसके साथ है तो आप डेफिनेटली इसमें ट्राई करो, और आपको भी एक अच्छा चांस मिलेगा यहाँ पर आने का कनाडा में, और वैल्यूबल एजुकेशनल एक्सपीरियंस गेन करने का, और साथ में फ़न तो होता ही है, क्योंकि आपको जैसे कि अभिमन्यु ने भी बताया कि फ़न करने का भी टाइम मिल जाता है। और हाँ, अगर हो सके तो गाड़ी का लाइसेंस ले आना, तो ज़्यादा आसान नहीं रहेगी, स्पेशली अगर सैस्कटून में आ रहे हो, राइट? एग्री? तो या, तो ये थी हमारी वीडियो, आई होप कि आपके लिए ये वाली वीडियो हेल्पफुल हो, तो तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर एंड बाय।